राजधानी देहरादून में जल संस्थान और जल निगम कर्मचारी द्वारा एकजुट होकर अपनी मांग को लेकर विधानसभा कूच किया गया। जल संस्थान व जल निगम से जुड़े कर्मचारियों ने पुलिस ने विधानसभा कूच से पहले ही रोक लिया, जिसको लेकर जल संस्थान व जल निगम के संयोजक रमेश बिंजुला ने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि जल संस्थान और जल निगम को एक संस्थान के अंतर्गत किया जाए और दोनों संस्थान के कर्मचारी को समय पर वेतन मिले, जिसके विषय में कई बार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक धरातल पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपनी मांगों को बहुत एक अनुशासित रूप से, क्योंकि हम कर्मचारीगण हैं, हम जानते हैं और हमने तो पानी पिलाने का काम किया है जनता को और कर रहे हैं, तो हमने बहुत अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। हमने 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के साथ अपने धरना कार्यक्रम को शुरू किया था और लगातार शासन प्रशासन से हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि शासन प्रशासन से भी सकारात्मक बातें आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ सामने एकदम से क्लियर नहीं आ रही है कि जिससे कि हम अपने आंदोलन को रोक सकें। और विवश होकर के जो 20 तारीख का समय, 20 फरवरी का जो समय हमने दिया था कि अगर इस 20 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीयकरण वाले विषय को नहीं माना जाता है तो फिर हम एक विशाल रैली के माध्यम से अपनी बात को सरकार और शासन के सामने पहुंचाएंगे, और अगर इसके बाद भी हमारी जो है बात को नहीं समझा जाता है, नहीं परखा जाता है और नहीं ये विषय समझ में आता है तो निश्चित रूप से आज शाम को हमारी एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय होगा वो आप तक मीडिया के तक वो पहुंच जाएगा।